नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ तेलुगु सांस्कृतिक परिषद द्वारा आयोजित श्री शारदा देवी नवीन मंदिर की पुनः प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए। जनसंपर्क आयुक्त श्री पी नरहरि ने मुख्यमंत्री की अगवानी की। श्री कमलनाथ ने अखंड दीप स्थापना की और प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने माँ शारदा देवी के श्री चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं से मिलकर आध्यात्मिक शक्ति निर्मित होती है और यही विश्व में भारत की पहचान है। इस अवसर पर सांस्कृतिक परिषद के पदाधिकारी, तेलुगु समाज के भक्तजन, अपर मुख्य सचिव श्री एम गोपाल रेड्डी और तेलुगु समाज के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के सांची ब्रांड के 6 नए उत्पाद का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांची ब्रांड से बनने वाले दुग्ध उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें अपनाने के लिए आज की बाजार नीति का अनुसरण करना चाहिए। मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पित 6 नए दुग्ध उत्पाद में नारियल बर्फी, वे ड्रिंक, कॉफी प्रीमिक्स, कुकिंग बटर, गुलाब जामुन मिक्स तथा कॉम्बो पैक शामिल हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री और छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री श्री सुखदेव पांसे ने छिंदवाड़ा में जिला योजना समिति की बैठक में कहा कि पेयजल समस्या का स्थायी निराकरण करने की जरूरत है। उन्होंने ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कृषि विभाग समेत अन्य विभागों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि बिजली की सतत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, साथ ही आमजनों को मेंटेनेंस की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से अनिवार्य रूप से दी जाए। बैठक में सांसद श्री नकुलनाथ, जिले के विधायकगण और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री एवं खंडवा जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसी सिलावट ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित अधिकारियों की बैठक में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में विद्युत और पेयजल आपूर्ति की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। मंत्री श्री सिलावट ने जिले के ग्राम रोशनाई भी पहुंचे और यहां पर उन्होंने दस्तक अभियान के तहत आयोजित ग्राम सभा में अभियान के बारे में ग्रामीणों से पूछताछ की। उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि समय समय पर अपने बच्चों का टीकाकरण जरूर कराएं, जिससे कि उनके बच्चे बीमारियों से बचे रहें। झाबुआ जिले के प्रभारी मंत्री श्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में शासन द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। श्री बघेल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग मौसमी बीमारियों के उपचार हेतु पूरी तैयारी करें। ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यों और बिजली आपूर्ति की समीक्षा के दौरान कहा कि 1 जनवरी से अभी तक 60,000 ट्रांसफार्मर बदले जा चुके हैं। ट्रांसफार्मरों की जांच के लिए टेक्निकल टीम गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनरल मैनेजर और अन्य अधिकारी क्षेत्र का लगातार दौरा करें। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में 12 जून को आतंकी हमले में देवास जिले के वीर सपूत शहीद संदीप यादव को शुक्रवार को उनके गृह ग्राम कुलालर में राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। लोक निर्माण एवं पर्यावरण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा और उच्च शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री श्री जीतू पटवारी ने शहीद संदीप यादव को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी ने प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और रजिस्ट्रार से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों में किसी भी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित न करें। शिक्षा का पहला उद्देश्य बच्चों को एक परिपक्व इंसान बनाना है, जिससे वे कल्पनाशील और वैचारिक रूप से स्वतंत्र हों। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में आर्थिक अनियमितता न हो, इसलिए विश्वविद्यालयों का ऑडिट होगा। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री सचिन यादव ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की पश्चिमी जोन के लिए रबी विपणन वर्ष 2020-21 में मूल्य निर्धारण संबंधी बैठक में कहा कि उपज के लागत मूल्य में लगातार वृद्धि के अनुसार समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। साथ ही कृषि संबंधी ऐसी तकनीकों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे लागत में कमी आए। मंत्री श्री यादव ने कहा कि किसानों से वास्तविक स्थिति जानकर ही उपज के लागत मूल्य का सटीक आकलन करते हुए केंद्र सरकार को मूल्य निर्धारण के लिए प्रस्ताव भेजें, ताकि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके। राज्य शासन ने शासकीय सेवक एवं स्थायी कर्मी को देय महंगाई भत्ते की दर से जनवरी 2019 से वृद्धि के आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार सातवें वेतनमान में देय महंगाई भत्ते की दर में जनवरी 2019 से 3% और छठवें वेतनमान में देय महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि की गई है। पंचायत सचिवों को 6% की वृद्धि के साथ महंगाई भत्ता मिलेगा।